हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारी प्रॉब्लम नंबर 21, 22 एंड 23 डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को पुरानी वीडियो अच्छे से क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम प्रॉब्लम नंबर 21 देखते हैं। जैसे कि आपको स्टेटमेंट दिख रही है, ठीक है, पहले इसमें बोला गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है, देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, देन गुडविल फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज ऑन एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इन्होंने हमें बता दिया कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। अब हमने मेन सुपर प्रॉफिट ही यूज़ करना है, सिंपल हम अब तक जो करते आए हैं। ठीक है, हमें बैलेंस शीट दिख रही है, यहाँ पे देखो सारी बैलेंस शीट दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एडिशनल इन्फो है, कुछ रीड कर लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट इंक्लूड इन फिक्स एसेट, जो ये फिक्स एसेट गिवन है, ठीक है, इसमें इंक्लूड करना है हमने 15,000 मोर इंक्लूड करना है। 350,000 है हमारे फिक्स एसेट के, 15,000 और इंक्लूड कर देना है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, वो है 68,000। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 10%, रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट बता रखा है 10%। ठीक है, उसके बाद अज्यूम दैट हमें बता रखा है कि हमें क्या क्या करना है। टैक्सेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर अ सफिशिएंट वैल्यू ऑफ एसेट, ये सारा कुछ हमें बता रखा है। अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। ठीक है, 21 नंबर प्रॉब्लम है हमारी ये, ठीक है ना। तो हम पहले इसमें देखते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया पहले हमें यहाँ पर क्या बोल रखा था, मैं अगर आपको स्टेटमेंट दोबारा दिखाऊँ, कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय कैसे फाइंड आउट करते हैं, एसेट्स वगैरह जो हमें चाहिए वो माइनस लाइबिलिटी, पहले लेते हैं हम फिक्स एसेट। एसेट में फिक्स एसेट 350,000 के प्लस बोला था 15,000, तो 350,000 प्लस 15,000 365,000। देन नेक्स्ट है करंट एसेट्स लेंगे हम यहाँ से, क्योंकि ना ही हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना ही गुडविल लेते हैं, ठीक है ना। तो करंट एसेट्स लेंगे हम 2 लाख के, तो 5,65,000 ये आ गया। लेस करेंगे इसमें से हमारी लाइबिलिटी साइड में से क्या क्या लेस करते हैं हम, प्रोविजंस, क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स, तो ये तीनों ही लेस कर देंगे 20, 60 एंड 90 माइनस कर दिया, हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक फ्रेंड्स, हमने कैपिटल एम्प्लॉय निकाल लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमें इधर वाली साइड बोला गया था कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, हाफ ईयर का अपना प्रॉफिट जो होता है करंट ईयर का उसको लेस करके। अब आपको इस सम में क्या करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकालते वक्त देखिए ध्यान से, यहाँ से रीड करना है हमने। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, दी एवरेज प्रॉफिट ऑफ दी कंपनी 68,000, इसमें से ऑलरेडी डिडक्टेड है कौन कौन सी चीज़ें, आफ्टर डिडक्शन के बाद प्रॉफिट दे रखा है, आफ्टर नॉट बिफोर, तो दैट मीन्स ये चीज़ें ऑलरेडी डिडक्ट हैं, इनको हमने दोबारा डिडक्ट नहीं करना। आफ्टर डिडक्शन दी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो डिबेंचर का इंटरेस्ट था वो भी इसमें से डिडक्ट किया हुआ है, और जो हम गवर्नमेंट को जो भी हमने टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं वो भी ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको बाद में दोबारा डिडक्ट नहीं करनी, बट हम एवरेज प्रॉफिट में से और क्या क्या चीज़ें डिडक्ट करते हैं, हम एवरेज प्रॉफिट में से अगर कोई हमें इनकम हो रही है उसको डिडक्ट करते हैं, तो ये जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 6%, ये तो नहीं यहाँ पे बोल रखा कि यहाँ ये डिडक्ट है ऑलरेडी, नहीं बोल रखा, तो दैट मीन्स इसका आप 45,000 का 6% निकालोगे, 2700 वो डिडक्ट होएगा 68,000 में से। और यहाँ पे देखिए ये जो एडिशनल इन्फो है सिर्फ इसी के बेस पे आपको समझा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लांट इंक्लूडेड इन द फिक्स एसेट, टोटल फिक्स एसेट जो ऊपर दे रखे हैं वो अलग है, नीचे जो इंक्लूड 15,000 के मोर हो रहे हैं उनके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, 15,000 के ऊपर अगर आप 10% का 1500 आएगा तो वो भी आपको लेस करनी है डेप्स में से, जो आपको प्रॉफिट टोटल दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी एडिशनल है, ये वाले की डेप ऊपर वाले की ऑलरेडी डिडक्ट है, बट जो नीचे आके ये दे रखा है जो एडिशनल ऐड हुआ है इसमें से जो ये डेप हो गई, टोटल प्रॉफिट हमें इतना बता रहे हैं, बट इतना बाद में इन्होंने बता दिया कि इतनी डेप्रिसिएशन जो न्यू आए उनमें से और है। ठीक है ना, तो ये भी हमारी घिसावट है एक तरह से, ये लॉस है, इसको माइनस करने के बाद ही हमारा एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा ना, 68,000 माइनस जो ये न्यू वाले हमारे एसेट्स आए हैं उनकी डेप, और माइनस क्या करना है हमने, जो हमारा ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है इनकम थ्रू, ये दोनों चीज़ें माइनस कर देनी है। तो ये आई थी हमारी कैपिटल एम्प्लॉय, इसमें से हमने 68,000 में से जो हमारा प्रॉफिट है 68,000 जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से 1500 हमने एक लेस किया हमारी डेप के, 27 जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ सारा माइनस करने के बाद हमारे पास बचा 63,800।
अब हमने ये आया हमारे पास करंट ईयर का टोटल प्रॉफिट। अब हमने क्या करना होता है, इसका हाफ प्रॉफिट लेना होता है। तो हाफ प्रॉफिट आप इसमें से लेस कर दोगे तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकल आएगा। उसके बाद तो सम बहुत सिंपल है, हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। इसके बाद हमने क्या निकालना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इसके ऊपर आप लगा दोगे 10% कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर निकल आएगा। देन एवरेज प्रॉफिट आपने अभी अभी यहाँ पे निकाला, जो प्रॉफिट ओरिजिनल था, तो यही लोगे आप 63800। तो एवरेज सुपर कैसे निकल आएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल। देन गुडविल के लिए भी आपको यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बता रखे हैं गुडविल ऑन दी बेसिस ऑफ 5 ईयर्स ऑफ परचेज। तो आपको 5 ईयर्स की गुडविल निकाल लेनी है यहाँ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, 21 नंबर सम तो बहुत ईजी था, अब करते हैं हम 22। ये मोस्टली बच्चों का अड़ा हुआ है सम, पता नहीं इसमें क्या था, क्यों अटका हुआ है, बट थोड़ा सा बोल सकते हैं इसको, ये डिफरेंट है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप इसको एक बार स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहले देखिए, फ्रॉम दी फॉलोइंग लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट। पहली बात यहाँ पे एवरेज बोल दिया इन्होंने, ठीक है जी, एवरेज बोल दिया। दैट मीन्स अगर आपको आगे जाके गुडविल बोलते हैं तो आप उसको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट करोगे। ठीक है जी, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑन अ 10% यील्ड बेसिस, यील्ड बेसिस पे। उसके बाद आपको बैलेंस शीट दे रखी है 3 सालों की, 2014, 2015, 2016। ठीक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग सम है ये, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में, ध्यान से देखना। उसके बाद आपको ये एसेट साइड की बैलेंस शीट आगे दे रखी है। उसके बाद नीचे फॉलोइंग एसेट्स हैज़ अंडर वैल्यूड देयर रियल वर्थ टू द बिजनेस बींग। ठीक है जी, ये उनकी अब ना आगे आगे आप बोल लो इसको रीवैल्यू हो गए हैं। ठीक है, अब हमने एक्चुअल में जो आगे हमने अपनी कैपिटल एम्प्लॉय वगैरह कुछ भी फाइंड आउट करनी है, तो हमने जो ये एसेट्स हैं इनकी यही वैल्यू लेके चलनी है। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप सीधा इसी को लो, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ऊपर वाली में, इसमें सीधा आप इसी को लोगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या लिख रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ माइनस करने के बाद। ठीक है, और सारी प्रोविजंस को भी माइनस करने के बाद, जो हम प्रोविजंस नेट प्रॉफिट में से करते हैं। ठीक है, फॉर टैक्सेशन एंड जनरल रिजर्व, इसमें और क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, ये आपको इसका बहुत बड़ा रोल है, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस आपको समझ आएगा बाद में। ठीक है, आगे क्या है, एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी द डायरेक्टर हैव डिक्लेयर्ड एंड पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर। आर्टिकल, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टर ने क्या डिक्लेयर किया है, डायरेक्टर ने ना डिविडेंड पे किया है, पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर, अपनी कंपनी के मेंबर्स को डिविडेंड पे किया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर कब होता है, मतलब साल का लास्ट वाला मंथ। ठीक है ना, साल के लास्ट में, ईच ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ रिलेटिव ईयर्स। दैट मींस इसकी एडजस्टमेंट प्रॉफिट वाले में होएगी, जब हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसमें इसकी एडजस्टमेंट होएगी। बोल रहे हैं ना, डिविडेंड पे किया है और उसकी हमारी प्रॉफिट्स में रिलेटिव ईयर्स में उसकी ट्रांजैक्शन करनी है हमने, तो इसको हम यूज़ करेंगे, तब आपको बताऊंगी कैसे हो रहा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुडविल टू द कंपनी वाज 5 लाख। अब देखो यहाँ पे तो हमें बैलेंस शीट में इन 3 सालों की गुडविल दे रखी है ऑलरेडी, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। ठीक है जी, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख दे रखी है। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुडविल टू द कंपनी वाज 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉय इन द बिगनिंग ऑफ 2014। कैपिटल एम्प्लॉय इन द बिगनिंग, अगर ये 2014 का बिगनिंग है तो क्या ये 2013 का एंड ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉय नहीं हो सकता था, एंड ऑफ द ईयर। चलो ये भी अभी आपको समझ आ जाएगा। इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ गुडविल, इसमें इंक्लूड है गुडविल की कॉस्ट, तो जब अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो आपको गुडविल की कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। एंड द बैलेंस इन द सरप्लस अकाउंट एट द सेम टाइम वाज 60,000। इसी में अब अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर 2014 का ओपनिंग है तो 2013 का हमारा ये क्या हो गया, क्लोजिंग। तो ऐसे ही ये हमें एक प्रॉफिट दे रखा है सरप्लस 60,000। अगर मैं इसको 2013 का क्लोजिंग अज्यूम कर रही हूँ, जैसे कि मैंने ओपनिंग है तो क्लोजिंग अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 2014 के ऑलरेडी बैलेंसेज हमें गिवन है। ठीक है ना, 2014, 15, 16 बैलेंसेस गिवन है हमें, तो हम इसको 2013 का अज्यूम कर रहे हैं और हमें यहाँ पे सरप्लस भी अगेन गिवन है 60,000 का। तो दैट मींस जो हमें यहाँ पे देखो 2014 का सरप्लस तो हमें यहाँ पे गिवन ही है, ऑलरेडी गिवन है ना, तो फिर दैट मींस जो हमें आगे सरप्लस गिवन है उसको भी हम 2013 का अज्यूम कर सकते हैं।
ठीक है। अब आप यहाँ से मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब हमने ना फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम सिंपली हमारी कैपिटल एम्प्लॉय क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। बहुत इजी होने वाला आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा बस। आपको ऐसे ईयर्स लिख लेने हैं, 2013, 14, 15, 16, ठीक है जी, आपने ऐसे लिख लिए। उसके बाद अब आपको पहले क्या लेते हो, एसेट साइड। एसेट साइड के आपको क्या, यहाँ पे फैक्ट्री नीचे गिवन है, स्टॉक इन ट्रेड नीचे गिवन है। फैक्ट्री जैसे नीचे गिवन है, एज इट इज़ उठा के 2014, 15, 16 में डाल दी, ठीक है। उसके बाद स्टॉक भी जैसे नीचे गिवन है, 6, 7, 8 डाल दिए, ठीक है। अब नीचे उसके बाद प्रॉफिट्स वगैरह गिवन है, ये तो अभी हम लेंगे नहीं। उसके बाद हमने अब नीचे से स्टॉक लिया और फैक्ट्री लिए, स्टॉक लिया और फैक्ट्री लिए। डिबेंचर और कैश एंड बैंक लेना है तो डिबेंचर एंड कैश एंड बैंक आप ऊपर से उठाओगे, जैसे एग्जैक्टली ऊपर लिखा हुआ है 10,000, 60,000 वाला, 81 लाख और 2,20,000 और 2,00,000, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ उठा लिए। अब अभी हमने यहाँ पर रीड किया, हमें यहाँ पर गुडविल गिवन थी, ठीक है। तो गुडविल की ना आगे एक ट्रांजेक्शन आएगी, तो फोर आपकी मतलब आपके बेनिफिट के लिए कि आपको कन्फ्यूज़न कम हो, एक बार के लिए अभी गुडविल को ऐड कर रहे हैं। अभी समझ आए, बाद में हम लेस करेंगे इसको बैलेंस इफेक्ट ख़त्म करने के लिए अपना गुडविल, क्योंकि हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बिना करना है, थोड़ा सा दिमाग आपका खपेगा तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। एक बार के लिए अभी मैं गुडविल ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर गुडविल एक बार के लिए ऐड कर दी, ठीक है। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ठीक है जी। ये बैलेंसेज आ गए मेरे 2,21,70,000, 23,80,000, 272,000, ठीक है। तो उसके बाद अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये अब जो हमारे ये वाले गुडविल को ऐड करने के बाद बैलेंसेस निकले हैं ना, ये एक तरह से हम इसको कैपिटल एम्प्लॉय ही कंसीडर करते हैं, बट ये हमारे होते नहीं हैं, बट हम कंसीडर इनको यही नाम से करते हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है कैपिटल एम्प्लॉय इन द बिगनिंग ऑफ 2014 का ये बिगनिंग था। अब हमारे पास 14 का तो यहाँ पे अमाउंट निकल आया टोटल करके, ठीक है ना, 14 का निकल आया, तो हम 2013 का अमाउंट ये वाला कंसीडर नहीं कर सकते। 19,30,000 कितना यही गिवन था, ठीक है जी। इसको एक बार आप 2013 का कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, कर लिया। अब हमें इसकी यहाँ पे बोला गया था इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ गुडविल, कि इसमें गुडविल की कॉस्ट इंक्लूड है। तो गुडविल की कॉस्ट कितनी है भाई, 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ 2013 में से माइनस कर दिया हमने, बाकी ये वाली गुडविल जो यहाँ ऐड की थी एज इट इज़ यहाँ से माइनस कर दी। अगर आप अकेली इसकी ट्रांजेक्शन करते ना गुडविल की, तो आप कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा होते। इसी वजह से मैंने गुडविल ऐड करने के बाद आपको सब्सट्रैक्ट करवाई है। आप चाहो तो एग्जैक्टली कर सकते हो, सीधा इसको रहने भी दे सकते हो, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं होएगी, बट आप कन्फ्यूज़ होने वाले हो, ठीक है जी। यहाँ तक आ गया। उसके बाद हमारे टोटल अब टेंजिबल गुडविल तो हमने निकाल दी, क्योंकि हम लेते ही नहीं हैं, तो हमारे पास टोटल टेंजिबल एसेट्स ये आ गए। अब हमारी एसेट साइड होगी, अब हम क्रेडिट लाइबिलिटी साइड से क्या माइनस करते हैं, अपने क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड से क्या माइनस करते हैं, क्रेडिटर्स 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। तो क्रेडिटर्स हमने माइनस कर दिए 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख, ठीक है जी। 14, 15, 16 के हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रॉफिट का कोई काम नहीं ना, इसका हमें प्रॉफिट गिवन था, उसका यूज़ कहाँ है वो बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। ये आ गया 13, 14, 15, 16, ठीक है। अब आपने इसको अगेन, आपके पास ईयर्स कितने गिवन थे, 14, 15, 16, आपने इसको अगेन उसी में बनाना है 14, 15, 16। कैसे बनाओगे, इसको प्लस इसको डिवाइड बाई टू, देन अगेन दिस एंड दिस डिवाइड बाई टू, देन दिस एंड दिस डिवाइड बाई टू। एक सम ऐसा हमने एक बार पहले भी किया है, आई थिंक शायद आपको याद हो अगर किया है तो, नहीं अगर नहीं किया तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, 1,43,000 वाला ये एंड 137 डिवाइड, दोनों को ऐड कर दिया एंड डिवाइड बाई टू। 2014 का मेरे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकल आया, ठीक है जी। ऐसे ही फिर 14 प्लस 15 डिवाइड बाई टू, मेरे पास 15 का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकला है। देन 15 प्लस 16 डिवाइड बाई टू, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकला है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। अब इसके आगे आपको क्या समझना है, इसके आगे हमारा ना प्रॉफिट से रिलेटेड घपला किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, ये चीज़ें हमने कंसीडर कर ली। अब यहाँ पे हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट, एक तरह से नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने पहले ना यहाँ पे देखिए
नेट प्रॉफिट लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है, प्रोविजंस भी माइनस है, बट यहाँ पे लिख रखा है इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंसेस, नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंसेस, जैसे लिख रखा है मैंने वही लिखा है, नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है जी, 410,000, 510,000, 610,000 एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी, एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी डायरेक्टर हैव डिक्लेयर्ड, डायरेक्टर ने क्या डिक्लेयर किया कि डायरेक्टर ने जो डिविडेंड है उसको, डायरेक्टर हैज़ पेड डिविडेंड टू इट्स मेंबर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वो डिविडेंड पे कर रहा है अपने मेंबर्स को ईच ईयर, किसमें से, प्रॉफिट ऑफ रिलेटिव ईयर्स, हर ईयर के प्रॉफिट में से। ठीक है जी, अब पहले मेरे को ये बताओ आप डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर वो प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर रहा है। ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ आप इसमें डिविडेंड लेते हो, अगर तो आप इसमें से डिविडेंड लेते हो, डिविडेंड उसने बोला कि वो पे कर रहा है, ठीक है, बट अगर हम अपने बाकी के सम्स पे गौर करें तो अब तक के किसी भी सम में हमने प्रॉफिट में से डिविडेंड को माइनस किया है जो हमें ये शेयर्स के ऊपर लगता है, अब तक के किसी भी सम में हमने डिविडेंड माइनस किया है, गुडविल वाला चैप्टर है हमारा, नहीं किया। ठीक है, तो अब हमारा दैट मीन्स हमने अगर नहीं किया तो इन्होंने हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो हमारा, इसमें से हमें डिविडेंड एक्सक्लूड मतलब माइनस किया हुआ है इन्होंने, बट हम तो डिविडेंड अपने प्रॉफिट में से पे करते ही नहीं है, तो डिविडेंड को हम करेंगे ऐड। यहाँ पे मुझे परसेंटेज दिख रही है एक 10%। ठीक है, डिविडेंड किसके ऊपर लगता है, या तो शेयर्स के ऊपर, या अगर हमें प्रेफरेंस शेयर दिए होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो हमें फिलहाल शेयर्स गिवन है, तो इनके ऊपर आप अगर 10% लगाओ, 10% 2014 में, 10% 2015 में, तो आपका कितना कितना बचेगा, 10 लाख है, 1 लाख बच जाएगा आपका। तो अगर हम डिविडेंड को माइनस नहीं करते, बट इन्होंने तो हमें कहा हुआ है ना कि इन्होंने हर साल प्रॉफिट में से डिविडेंड को पे किया हुआ है, ठीक है ना, तो हम तो डिविडेंड को ऐड करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट में से डिविडेंड पे नहीं करते हैं, हमने अब तक के किसी भी सम में प्रॉफिट में से क्या डिविडेंड को माइनस किया है, नहीं किया है, तो इन्होंने कैसे कर दिया, उसको कर देंगे हम ऐड, कर दिया जी। अब उसके बाद अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट अगेन देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट के साथ क्या लिख रखा था, इंक्लूड ओपनिंग बैलेंसेस, इसमें ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूड हैं, ओपनिंग बैलेंसेस कौन से होते हैं, दैट मींस जो हमें ऊपर वाली बैलेंस शीट में गिवन है, ऊपर वाली बैलेंस शीट एक बार देखेंगे अगर हम गौर फरमाएं, ऊपर वाली बैलेंस शीट है हमारी 31 दिसंबर की, दैट मींस इसमें हमें क्लोजिंग प्रॉफिट्स गिवन है, क्लोजिंग प्रॉफिट्स गिवन है, क्लोजिंग प्रॉफिट्स अगले साल का ओपनिंग प्रॉफिट बन जाते हैं, तो 2014 का जो ये प्रॉफिट गिवन है 70,000, इसको हम 2015 का ओपनिंग प्रॉफिट कंसीडर कर सकते हैं। तो एक बात और दिखाऊं मैं अगर आपको, तो मुझे यहाँ पे 2013 का जो मैं मटेरियल कवर अप कर रही थी, यहाँ पे भी एक प्रॉफिट गिवन था एट द सेम अमाउंट, बैलेंस ऑफ सरप्लस 60,000, तो अगर इसको मैं 2013 का 60,000 का प्रॉफिट कंसीडर करूँ क्लोजिंग, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है हमें, तो अगर मैं उसको क्लोजिंग कवर अप क्लियर करूँ तो वो 2014 का ओपनिंग बन जाएगा 60,000, 60,000 2014 का ओपनिंग, 70,000 2015 का ओपनिंग एंड 80,000 2016 का ओपनिंग। तो इन्होंने बोला हुआ है ना प्रॉफिट में ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूड हैं, बट हमें क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है क्योंकि क्लोजिंग की बैलेंस शीट है, तो हमें ओपनिंग कैसे मिलेंगे, ये वाला इसका ओपनिंग हो जाएगा, ये वाला इसका ओपनिंग हो जाएगा, इतनी तो कॉमन सेंस हम में है। ठीक है, हमने अब तक के किसी भी सम में नेट प्रॉफिट में कभी भी कोई सरप्लस इंक्लूड किया है, नहीं जी हमने वो भी नहीं किया है, तो इन्होंने कैसे इंक्लूड कर दिया, अब हम हमारा प्रॉफिट कैरिड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले साल के प्रॉफिट को अगले का ओपनिंग मानेंगे, तो ये 60,000 2013 का कंसीडर करके चल रहे थे, इसको 14 का हमने ओपनिंग बना दिया, जो 14 का 70,000 था, ये देखिए 70,000 14 का, इसको हमने 15 का 70,000 ओपनिंग बना दिया क्योंकि ये इसका क्लोजिंग था, तो इसका ओपनिंग बन गया, अब ये इसका क्लोजिंग है तो इसका 2016 का ओपनिंग बन गया, तो इसको हम अगेन लेस कर देंगे, हमारे पास अब निकल के आया एडजस्टेड प्रॉफिट, अभी तक हमारा प्रॉफिट वाला पार्ट ख़त्म नहीं हुआ, अब निकल आया हमारा इतना प्रॉफिट। अब आगे चलते हैं हम, अब निकालना है हमें आगे हमारा, जो आगे मैं कर रही हूँ ना बिल्कुल सिंपल है, आपको आता है वो चीज़, बट अगर आप कंफ्यूज हो तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे जैसे हमने अभी अभी पीछे नेट प्रॉफिट्स निकाले 4,50,000, 5,40,000, 6,30,000, ये अभी हमने पीछे निकाले, ठीक है सुपर, ये हमारे एक तरह से एवरेज प्रॉफिट्स निकल आए,
अब हमारा एवरेज प्रॉफिट्स का आगे क्या काम होता है, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय थ्री करना, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय थ्री करना। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अभी आगे समझो क्या कहिया मैंने, नेट प्रॉफिट्स दे रखे थे, एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे थे, एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, ताकि हमारा क्या निकल आए, सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमारा पीछे कैपिटल एम्प्लॉय निकाल लिया उसके ऊपर 10%, ये हमने कैपिटल एम्प्लॉय निकाल लिया एवरेज, इसके ऊपर 10% 14,1475,1750, इसके ऊपर देखिए मैंने 10% लगा के यहाँ पे माइनस कर रखा है हमने एवरेज में से, नॉर्मल एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दिया हमने, हमारे पास एक तरह से सुपर प्रॉफिट आ गया, सिर्फ सुपर प्रॉफिट। बट हमें क्या निकालना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हमने उसका प्रॉफिट का नहीं अभी तक डिवाइड थ्री किया था, तो हम यहाँ पे इकट्ठा आगे कर दिया। आप चाहो पहले करके इन तीनों का टोटल उसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब आप इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय थ्री कर दो, जो आ गया उसकी आगे आपको निकालनी है गुडविल। अगेन सिंपल सा था, फोर इयर्स बोल रखे हैं, फोर इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो आप इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ गया जी आपकी गुडविल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझा था, बट आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया। कुछ भी प्रॉब्लम हुई आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट सम है, जो कि बहुत इजी है, सिंपली बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाद हमें यहाँ पे एडिशनल इन्फो दे रखी है। कंपनी कमेंस्ड ऑपरेशन इन द ईयर 2012 एंड द प्रॉफिट अर्न बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्सेस, यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स के ईयर्स बता रखे हैं। यू मे अज्यूम दैट द इनकम टैक्स एट द रेट 50% हैव बीन पेएबल ऑन दीज प्रॉफिट्स, द एवरेज डिविडेंड पे बाय द कंपनी फॉर द फोर ईयर इज 10%, एवरेज डिविडेंड जो पे हो रहा है 10%, which is taken as reasonable return expected on capital invested in the business. First we have to find out the capital employed, जो कि हम हर सम में करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉय कैसे फाइंड आउट होएगी, बिल्डिंग प्लस मशीनरी प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश एंड बैंक, माइनस क्या होएगा, बैंक डेटर्स प्लस माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स। देख सकते हो मैंने एग्जैक्टली जो बोला वही कर रखा है, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर कैश एंड बैंक ऐड देन सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस, तो हमारा निकल आया कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है जी। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखे हैं प्रॉफिट्स, अब इसमें भी प्रॉफिट्स में मैंने वही चीज़ की है, अगर आप करना चाहो जैसे करना चाहो कर सकते हो। ये प्रॉफिट्स गिवन है, मैंने पांचों को पहले कर लिया ऐड, ठीक है जी, प्रॉफिट्स का टोटल लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मुझे बोला गया था टैक्स रेट 50%, तो मैंने इसमें से कर दिया 50% माइनस कर दिया, जो आ गया उसको मैंने कर दिया डिवाइडेड बाय 5। आप पहले भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो 375,000 आ गया हमारा ये एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। अब इसके आगे क्या आता है हमारा, इसके आगे देखिए, इसके आगे हमें इसमें कुछ बोल रखा था कि आपको जो गुडविल है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड निकालनी है, ठीक है जी। गुडविल जो है कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू निकालनी है, तो हमने कैपिटलाइजेशन, हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी एवरेज निकली है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100, हमने अभी अभी वो निकाला ना, हमारा एवरेज 375,000 का, हमारा एवरेज आ गया 375,000 का डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें यहाँ पे दे रखी है, ये रही 10% डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100 आ गया 37500। अब हम गुडविल कैसे निकालते हैं, जो हमने ये कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली, ये माइनस हमारी कैपिटल एम्प्लॉय कर दी, हमारी गुडविल आ गई। हम मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश है, अगर आपको अब भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।